नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से ही लगातार सुर्खियों में बने हुए और अभी हाल ही में हुए महाराष्ट्र में एंटीलिया केस पर उसके बाद मनसुख हिरेन का निधन मामला, फिर उसके बाद परमवीर सिंह द्वारा राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया जाना, इन सभी तमाम मामलों को लेकर परमवीर सिंह लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। ऐसे में परमवीर सिंह पर लगातार कई संगीन आरोप भी लग रहे हैं। परमवीर सिंह पर अभी हाल ही में 3 कारोबारियों ने आरोप लगाया था। दरअसल कारोबारियों ने परमवीर सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने उनसे करोड़ों रुपए की उगाही की है। आपको बता दें कि इससे पहले परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख पर भी संगीन आरोप लगाए थे, जिसके बाद से अनिल देशमुख को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वहीं परमवीर सिंह की एंटीलिया केस में भी संदिग्ध भूमिका सामने आई थी, जिसके बाद से उनके पद से उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया था और साथ ही उन्हें निचले पद पर पोस्टिंग उनकी कर दी गई थी। ऐसे में अब परमवीर सिंह के खिलाफ उद्धव ठाकरे सरकार ने भी जांच के आदेश दिए थे। परमवीर सिंह की फिलहाल गिरफ्तारी अभी 20 मई तक रुक गई है। तो क्या है ये पूरा मामला, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह को फौरी राहत दी है। ठाणे पुलिस द्वारा परमवीर सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। इस मामले में परमवीर सिंह ने कोर्ट की शरण ली और गिरफ्तारी रोकने की मांग की थी। इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा कि ठाणे पुलिस द्वारा अत्याचार के मामले में सिंह के खिलाफ जो FIR दर्ज की गई है, उसमें 20 मई तक गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। राज्य सरकार के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता डोरियास खंबाटा ने जस्टिस PB वराले और जस्टिस NR बोरकर की बेंच से कहा कि अकोला में एक पुलिस इंस्पेक्टर ने परमवीर सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए हैं, वो बहुत गंभीर हैं। इस मामले में पुलिस अब सिंह की याचिका के जवाब में एफिडेविट कोर्ट में पेश करेगी। राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि परमवीर सिंह के खिलाफ 30 अप्रैल को FIR दर्ज की गई थी। इसमें पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान मिले सबूतों को एफिडेविट के रूप में पेश करने के लिए पुलिस को समय चाहिए। इस दौरान याचिकाकर्ता यानी परमवीर सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट की बेंच ने राज्य सरकार का जवाब स्वीकार किया और अगली सुनवाई के लिए 20 मई की तारीख तय की। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि पूर्व कमिश्नर के खिलाफ जो शिकायत की जा रही है, वो कथित घटना 2015 में घटी, फिर शिकायत 2021 में क्यों दर्ज की गई? शिकायतकर्ता को शिकायत दर्ज कराने में इतनी देरी क्यों लग गई? परमवीर सिंह के वकील महेश जेठमलानी ने कोर्ट में दलील दी कि उनके वकील के खिलाफ पुलिस की शक्तियों का दुरुपयोग हुआ है। जेठमलानी ने कहा कि FIR पूरी तरह गलत है और सिंह को इस मामले में सुरक्षा दी जानी चाहिए। आपको बता दें कि अभी हाल ही में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले परमवीर सिंह के खिलाफ एक पुलिसकर्मी ने संगीन आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि उनसे उनके जान और उनके परिवार की जान को खतरा है, इसके लिए उन्होंने पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने की भी मांग की थी। बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह और अन्य अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले पुलिस अधिकारी भीमराव घड़गे ने जान को खतरा होने का दावा करते हुए खुद के लिए और अपने परिवार के लिए सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की थी। अकोला में तैनात घड़गे ने सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और राज्य के पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजा। उन्होंने कहा, मुझे और मेरे परिवार को आरोपियों से जान का खतरा है। मैं खुद के लिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिए सशस्त्र पुलिसकर्मियों की सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। मेरे परिवार के सदस्य मुंबई के पास कल्याण में रहते हैं। घड़गे ने दावा किया, मैं यहाँ अकोला में तैनात हूँ जबकि मेरा परिवार कल्याण में रहता है। मैं उनको लेकर चिंतित हूँ क्योंकि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। पुलिस निरीक्षक घड़गे ने कहा कि उन्हें कोई धमकी भरा फोन कॉल या मैसेज नहीं मिला है। उन्होंने कहा, लेकिन कोई आपको हमला करने से पहले सूचना नहीं देगा। मैं आपको यह भी बता दें कि परमवीर सिंह के खिलाफ 3 कारोबारियों ने भी संगीन आरोप लगाए थे। दरअसल 3 कारोबारियों ने परमवीर सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने उनसे हर महीने कई करोड़ों रुपए की वसूली की है, जिस मामले में NIA ने उन्हें पूछताछ के लिए भी बुलाया था। हालांकि परमवीर सिंह पर लगे ये आरोप अभी तक साबित नहीं हो पाए हैं। मैं आपको बता दें कि परमवीर सिंह ने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भी संगीन आरोप लगाए थे। अनिल देशमुख पर आरोप लगाते हुए परमवीर सिंह ने कहा था कि उन्होंने क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के हेड सचिन वाजे को हर महीने हर बार और रेस्टोरेंट से 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था।
जिसके बाद परमवीर सिंह को उनके पद से छोटे पद पर ट्रांसफर कर दिया गया था। वहीं अनिल देशमुख को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि अनिल देशमुख के खिलाफ अभी तक ये आरोप साबित नहीं हो पाए हैं, लेकिन उनके खिलाफ जांच जारी है। वहीं परमवीर सिंह के खिलाफ उद्धव ठाकरे सरकार ने जांच में संजय पांडे को नियुक्त किया था, जिसके कुछ ही टाइम बाद संजय पांडे ने कहा कि मैं परमवीर सिंह की जांच करने में असमर्थ हूं, कृपया आप परमवीर सिंह की जांच किसी अन्य अधिकारी से करवाएं। वहीं अभी हाल ही में अनिल देशमुख ने यह खुलासा भी किया था कि परमवीर सिंह का ट्रांसफर क्यों किया गया था। अनिल देशमुख ने बताया था कि उनके काम में खामियों और प्रशासन के प्रति लापरवाही को लेकर उनका छोटे पद पर ट्रांसफर किया गया था। वहीं अनिल देशमुख ने यह भी बताया था कि परमवीर सिंह की एंटीलिया केस में भी संदिग्ध भूमिका पाई गई थी, जिसके बाद से उनके खिलाफ ये फैसला लेना पड़ा। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।